हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कार्यकर्ताओं की सामूहिक शक्ति एवं समर्पण के कारण आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी जिला बाड़मेर की आजीवन समर्पण निधि के संदर्भ में आयोजित बैठक में शामिल हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एवं अन्य भाजपा नेता बाड़मेर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला बाड़मेर की आजीवन समर्पण निधि के संदर्भ में आयोजित बैठक में भाग लिया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी ललित पोथरा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में भाजपा समर्पण निधि कार्यक्रम को लेकर शहर एवं गांवों में जनसंपर्क की भावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष आदुरा मेघवाल एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलीप पालीवाल सहित जिले के पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि पार्टी ने हम सब कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ दिया है, ऐसे में अब पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के समर्पण की बारी है। पार्टी में जनसंघ काल से लेकर वर्तमान तक निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साल भर में एक बार कार्यकर्ता पार्टी के खर्चा के लिए समर्पण करते हैं। पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम जनता से जुटाए गए इस फंड से ही पार्टी चलती है। कैलाश चौधरी ने बताया कि राष्ट्रपतन के संकल्प के साथ समर्पित कार्यकर्ताओं की सामूहिक शक्ति और समर्पण के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी का मानना है कि पार्टी का खर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही चलाया जाए, जिससे किसी के दबाव में ना चलते हुए पार्टी संगठन राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव अग्रसर रहे। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने समर्पण निधि के बारे में बताया कि भाजपा ने अपने संगठनात्मक खर्चों की माकूल व्यवस्था के लिए पूरे देश में समर्पण निधि के नाम से भाजपा जनप्रतिनिधि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से समर्पण निधि लेकर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा निधि समर्पण अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से अधिक समर्पण करने की अपील की। आदुराम मेघवाल ने कहा कि मंडल से जो भी निधि समर्पण होगा वो निधि प्रदेश में जाएगी, उसके बाद वो निधि वापस मंडलों के पास आएगी, जिससे पार्टी के मंडल को और जिले को मिलेगा और इससे पार्टी अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकेगी। दिलीप पालीवाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, सभी को यथाशक्ति से अपना सहयोग करना चाहिए। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।